से हम लोग जो 7 साल हम लोग को खटाए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल के, हम लोग को किसी न किसी विभाग में समायोजन करके जगह दे दीजिए जिससे हम लोग अपना जीवन यापन अच्छा से कर पाए। और सरकार के सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए हम लोग उसमें भागीदार रहे राज्य सरकार के द्वारा, और मार्च 2018 में हमें कार्य मुक्त कर दिया गया बिना किसी सूचना के। मैन हम लोगों का एज खत्म हो गया, अब किसी दूसरे चीज का तैयारी भी नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार आश्वासन दे रही है। आश्वासन से कहां से आए हैं? पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से किस बात को लेकर आप लोग यहां हैं? ये हम लोग साक्षरता प्रेरक हैं, शिक्षा प्रेरक, और हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो शिक्षा रोस्टर के अनुसार, शिक्षक रोस्टर के अनुसार हुई थी वर्ष 2011 में। 7 वर्षों तक सेवा करने के बाद मार्च 2018 में बिना किसी सूचना के हम लोगों को कार्य मुक्त कर दिया गया, ठीक है। और जबकि मैं दिखाना चाहूँगा, ये इन्होंने टोपी लगा रखा है और टोपी पर देखिए साक्षर भारत, मैं हूँ बेरोजगार प्रेरक पूर्णिया, और दूसरी तरफ भी वही चीज लिखा हुआ है। अब ये क्यों आए हैं ये थोड़ी सी इन्होंने बताया, और मैं पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करता हूँ। पूरा विस्तार से बताइए कि आपको आज यहाँ क्यों आना पड़ा है। वर्ष 2011 में जो हमारी नियुक्ति हुई थी वो शिक्षा रोस्टर के अनुसार, शिक्षक रोस्टर के अनुसार हुई थी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को पंचायत में नियुक्त किया गया था साक्षरता कार्य के संबंधित, और सरकार के सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए हम लोग उसमें भागीदार रहे राज्य सरकार के द्वारा, और मार्च 2018 में हमें कार्य मुक्त कर दिया गया बिना किसी सूचना के। 2018 में? जी, यानी 7 सालों तक आप लोगों ने सेवा दिया। जी, इसके बाद हमें कार्य मुक्त कर दिया गया। हम लोग सरकार से बहुत बार मांग किए लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। जब चुनाव आया तो राजद की सरकार ने जो है अपने मांग पत्र में, चुनावी घोषणा में हमारी मांग को रखा। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आपको किसी भी विभाग में समायोजन करेंगे, पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। हम लोग दर दर भटक रहे हैं और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हम सभी को किसी न किसी विभाग में समायोजन कर दिया जाए। 7 वर्षों तक सेवा करने के बाद जो हमारा नौकरी का जो एज था वो भी लैप्स कर गया है, तो अब हमारी यही मांग है सरकार से कि कहीं किसी न किसी विभाग में कार्य अनुभव के आधार पर हमारा समायोजन किया जाए। देखिए, यही है बिहार की विडंबना। मैं बिहार की विडंबना इसलिए कह रहा हूँ कि ये शिक्षित पढ़े लिखे लोग, ये इन्होंने 2011 में इनकी बहाली हुई और 2018 में 7 वर्षों तक इनका सेवा लिया गया, उसके बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। जिनको पहले नौकरी मिल चुकी है वो उन्हें जब बर्खास्त कर दिया जाता है तो फिर नई भर्तियां कैसे निकलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ है कि शिक्षा व्यवस्था पर इतना आघात क्यों किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज जिस दिन महारैली आयोजित की गई है रंगभूमि मैदान में, ठीक उसी दिन स्नातक द्वितीय पाठ की परीक्षा होनी थी आज, उसको रद्द कर दिया गया। इन सबके बीच यहाँ महारैली आयोजित की गई है, और जैसा कि मैं अभी घूम के देख रहा हूँ तो कई ऐसे नियोजित शिक्षक भी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, एयरपोर्ट वाले आंदोलन कर रहे हैं एयरपोर्ट की मांग को लेकर, हाईकोर्ट की मांग की बेंच को मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये सारे आंदोलन करने वाले लोग भी आज यहाँ एकत्रित है। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन के नेताओं ने इतनी बड़ी भीड़ जो यहाँ इकट्ठी की है वो सिर्फ जनता की भीड़ है, बल्कि यहाँ पर मांग लेकर भी आने वाले लोगों की भीड़ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, जब भारतीय संविधान में लिखा गया है कि तिस्तिया 90 दिन काम करने के बाद हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ के सरकार से नौकरी ले सकते हैं, साक्षरता कर्मी जब 7 साल कार्य करने के बावजूद भी आज साक्षरता कर्मी के तमाम महिला और पुरुष दर दर भटक रहे हैं सर, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो कहता है केंद्र मंत्री के पास जाओ, केंद्र मंत्री के पास हम लोग आवेदन करते हैं तो कहता है मुख्यमंत्री बिहार सरकार के पास जाओ। यही दर बदर ठोकर खाने में आज हम लोगों का जिंदगी बर्बाद है, हम लोग किसी काम का नहीं है सर। दर बदर ठोकरें खाने के बीच 35% महिलाओं को आरक्षण देने वाली सरकार आज महिलाएं नौकरी के लिए भटक रही है। देखिए कहाँ से रुपौली प्रखंड से है, पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला, हाँ। क्या
किस चीज को लेकर आप यहाँ आए हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग बेरोजगार पड़े रह गए, सरकार हम लोगों को मांग पूरी करे, किसी तरह समायोजन किसी तरह जगह दे दे, इसी में हम लोगों का बहुत अच्छा होगा, कि नसीब अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा, बाल बच्चे का भी अच्छे से गुजर कर लेंगे। और बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हम लोगों का चयन शिक्षक चयन रोस्टर पत्रों 402 के अनुसार हुआ था, पंचायत में एक महिला एक पुरुष। हम बनमनखी प्रखंड से, पूर्णिया जिला से। जी हम भी इसी मांग को लेकर आए, हम लोग का जो है समायोजन किसी न भी किसी विभाग में कर लिया जाए। सरकार से क्या कहेंगी आप? सरकार से यही कहेंगे से हम लोग जो 7 साल हम लोग को खटाए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल के, हम लोग को किसी न किसी विभाग में समायोजन करके जगह दे दीजिए, जिससे हम लोग अपना जीवन यापन अच्छा से कर पाए। जो सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, उसी सरकार के राज्य में महिला आज देखिए मैन, हम लोगों का एज खत्म हो गया, अब किसी दूसरे चीज का तैयारी भी नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार आश्वासन दे रही, आश्वासन से तो कम नहीं चलेगा, हम लोगों को जल्दी का समायोजन कर दिया बस। एक ये नौकरी की चिंता इस बात को लेकर भी है कि मेरी उम्र सीमा समाप्त तो होने वाली है, और अब हम कहाँ जाएंगे, मेरे बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, इस बात को लेकर भी यहाँ लोग मांग अपनी मांगों को लेकर रंगभूमि मैदान आए हैं। अब ये तो नेता ही बताएंगे कि इनकी मांगों को कहाँ तक सुनी जाएगी और इनकी मांगें कब पूरी होगी, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा।